हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जो है रिसर्च किया है। सो सबसे पहले कॉग्निटिव का मतलब समझ लेते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल प्लस इंटेलेक्चुअल, मतलब हम दिमाग से, अपने दिमाग से जो खुद करके विचार करके जो भी चीज़ें करते हैं वो कॉग्निटिव होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विथ स्टडिंग हाउ ह्यूमन बींग थिंक, रीजन एंड फॉर्म कंसेप्ट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ह्यूमन किस तरीके से अपना थिंकिंग कर रहा है या रीज़न कर रहा है या किसी कंसेप्ट की किस तरीके से स्टडी कर रहा है। इट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसका जो है सीधा कनेक्शन है दिमाग से, यानी कि माइंड से। अब यहाँ पर जीन पियाजे ने दो जो है चीज़ की बात की है। फर्स्ट वन है जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी, जिसका मतलब है ज्ञान मीमांसा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे एज ह्यूमन की बढ़ती है वैसे वैसे वह अपने नॉलेज को और भी बेहतर कंस्ट्रक्ट कर पाता है। नेक्स्ट है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज़म, इसका हिंदी में अर्थ है कट्टरपंथी रचनावाद। इसका अर्थ तो हिंदी में ये है, बट इसका मीनिंग जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि विकास डेवलपमेंट की जैसे जैसे स्टेजेस में ह्यूमन जो है आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से परिपक्व होता है, मीन्स मैच्योर होता है। जैसे जैसे अपने स्टेजेस डेवलपमेंट के स्टेजेस से गुजरता है वैसे वैसे वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो है अब मैच्योर होता है। तो यहाँ पर जीन पियाजे ने कॉग्निटिव जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म इन सब का मतलब क्या है हमने समझा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीन पियाजे जो है ये सिक्स फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जिसका अर्थ है एज वाइज चेंजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चेंजेस होता है, तो इसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, तो प्ले इज़ इम्पॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए प्लेइंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोशल एक्सपीरियंस, तो लर्निंग बाय डूइंग, जब हम समाज में रहेंगे वहाँ उनके साथ रहेंगे करेंगे हर चीज़ें तब नई नई चीज़ें हम सीखेंगे, तो ये सोशल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है अडाप्टेशन, मतलब हम एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। तो अडाप्टेशन में दो स्टेप आएंगे, एसिमिलेशन या एकोमोडेशन, दोनों स्टेप आएंगे। एसिमिलेशन मतलब हम विचार को जो है उसको यूज़ कर रहे हैं कहीं और, तो वो एसिमिलेशन हो जाएगा। और एकोमोडेशन मतलब किसी विचार को, किसी कार्य को हम करने कर रहे हैं तो उसमें कुछ न्यू चेंजेस ला के कर रहे हैं, तो वो एकोमोडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, कंबाइन, ऑर्गेनाइज, रिकम्बाइंड एंड रीऑर्गेनाइज, ये चारों स्टेप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। लास्ट है इक्विलिब्रियम, या इसे बैलेंस कहेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम या बैलेंस मतलब कि हम अपने आप को और वर्ल्ड में जो बैलेंस है वो दोनों में ला रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम या बैलेंस इसे कहेंगे। तो ये सिक्स फैक्टर है जीन पियाजे थियोरी के। नेक्स्ट है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है स्कीमा। जीन पियाजे जो है वो स्कीमा की बात करते हैं, मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग हम जो भी विचार कर रहे हैं उसको एक ब्लॉक की तरह से बनाते जा रहे हैं। और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन, या फिर हम अपने ब्रेन में नॉलेज को धीरे धीरे एक एक करके स्टोर किए जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ स्कीमा। तो स्कीमा की बात जो है वो जीन पियाजे ने की है। नेक्स्ट जो वर्ड है एसिमिलेशन, जिसका मतलब है फिटिंग एक्सपीरियंस इनटू आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब हम अपने ब्रेन में जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस नॉलेज है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एसिमिलेशन हो गया। नेक्स्ट है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग स्कीमा इज़ मॉडिफाइड, मतलब हम अपने नॉलेज को थोड़ा सा चेंज करके फिर उसका यूज़ कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ एकोमोडेशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंबाइनिंग, अरेंजिंग या रिकम्बाइनिंग या रीअरेंजिंग, तो ये
जो है ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा, ये सारे चीज़ों की बात जो है जीन पियाजे करते हैं, और जीन पियाजे 6 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। नेक्स्ट जो है जीन पियाजे ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें से 4 स्टेजेस हैं, और फर्स्ट स्टेजेस है सेंसरी मोटा स्टेज जो 0 to 2 इयर्स के बिटवीन का होता है। इस स्टेज को इन्फेंसी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इन्फेंसी स्टेज मतलब क्या है जीन पियाजे का, तो हम आंसर आएगा हमारा सेंसरी मोटा स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज। तो इन्फेंसिस जो सेंसरी मोटर स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होंगी, तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट परमानेंसी, मतलब वस्तु स्थायित्व, मतलब बच्चों के सामने किसी वस्तु को हटा दिया जा रहा है, उन्हें बहला दिया जा रहा है, बट वो वस्तु उनके अपने पीठ के पीछे छुपा दे रहे हैं, लेकिन वो वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है उनके सामने, लेकिन उनकी आँखों के सामने नहीं है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है सेंसरी रिलेटेड लर्निंग, तो जो बच्चे 0 to 2 ईयर्स के बिटवीन में होते हैं, तो वो अपने सेंस के थ्रू जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में होती है, उनके सराउंडिंग में होती है, तो उसके थ्रू वो सीखते हैं। नेक्स्ट है बेसिक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, मतलब कि इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बिहेवियर करते हैं, जैसे कि हंसते हैं, रोते हैं, या अंगूठा चूसना, ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक सेंसरी मोटर स्टेजेस की होंगी। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर, मतलब त्रुटि एवं प्रयास शुरू हो जाता है, मतलब गलती करते हैं बच्चे और वापस से उसी चीज़ को दोहराते हैं, तो ये ट्रायल एंड एरर कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट है रिपीटेशन ऑफ मोमेंट, मतलब गति की पुनरावृत्ति, किसी भी चीज़ को वो बच्चे जो हैं बार बार रिपीट करते हैं एक ही चीज़ को, जैसे बार बार हाथ हिलाना, बार बार पैर हिलाना, एक ही तरफ देखना, तो ये जो मोमेंट है उनका वो बार बार रिपीटेशन होता रहता है 0 to 2 ईयर्स के बिटवीन में। तो ये था हमारा 4 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 to 7 ईयर्स के बिटवीन का होता है। इस स्टेज को जो है अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है, अर्ली चाइल्ड होड के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ भी करने से पहले चिंतन मनन करना, कुछ भी इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो उससे पहले वो अपने दिमाग में जो है उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो इस प्री ऑपरेशन स्टेजेस के अंदर भी 2 अदर स्टेजेस आती हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, जो 2 to 4 ईयर्स के बिटवीन का होता है। तो इस स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज की, इसमें बच्चे जो है वो सिंबॉलिक करना सीखने लगते हैं, सिंबॉलिक फंक्शन, मतलब जैसे कि बच्चे एरोप्लेन को देखकर उसे चिड़िया ही समझते, बर्ड समझते हैं, तो उनके दिमाग में जो है पहले से इन सिंबल बन जाते हैं, तो ये सिंबॉलिक फंक्शन है। नेक्स्ट है ईगो सेंट्रिज्म, मतलब अहम केंद्रिता, बच्चे अपने आप को जो है समझते कि नहीं मैं ही सही हूँ। नेक्स्ट है प्ले स्टेज, तो यहाँ पे खोज की अवस्था, इस स्टेज में जो बच्चे हैं वो हमेशा ज़्यादातर खेलते हैं। नेक्स्ट जो है इंटीट्यूटिव स्टेज, जो 4 to 7 ईयर्स की बिटवीन का होता है। इस स्टेज में जो बच्चे हैं इंटीट्यूटिव थॉट, मतलब सहज विचार करने लगते हैं, मतलब बच्चे पूछते हैं कि ये चीज़ें ऐसे क्यों है, ऐसा क्या है, उनके दिमाग में जो है प्रश्न क्वेश्चन आने लगते हैं और वो पूछते हैं, तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इंटीट्यूटिव थॉट इसे कहेंगे। नेक्स्ट है इस स्टेज में बच्चे जो है 200 to 2000 वर्ड्स जो है बोलना सीख लेते हैं। नेक्स्ट है सिंपल मैथ्स जो होता है, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का बच्चे को पता होने लगता है, बट उनको उसका रीज़न नहीं पता होता है कि ऐसा क्यों है। नॉर्मली वो जान जाते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना, बट वैसा क्यों वो उन्हें नहीं पता होता है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल थाट एंड एक्शन सिंबॉलिक प्ले। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो परसेप्चुअल थाट या एक्शन सिंबॉलिक या सिंबॉलिक प्ले, उनके दिमाग में जो है जैसे
किसी वुडन ब्लॉक को वो कार समझ के उसे प्ले करने लगते हैं। तो ये सिंबॉलिक प्ले हो गया, या इसे परसेप्चुअल थॉट या एक्शन सिंबॉलिक कहेंगे। नेक्स्ट है इमेजिनरी प्ले। इमेजिनरी प्ले मतलब कि जैसे कि किसी का रोल प्ले करके जो है बच्चे खेल रहे हैं अपने आप से, जैसे अपना खुद वो टीचर बन जा रहे हैं और कोई उसमें से स्टूडेंट बन जा रहे हैं और वो रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये इमेजिनरी प्ले हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रेशन, मतलब बच्चे एक टाइम पे एक ही चीज़ें करते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। नेक्स्ट है एनिमिज्म, मतलब कि नॉन लिविंग में लिविंग्स को देखना, जैसे शर्ट का बटन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो उन्हें लगता है कि वो एक लिविंग है, तो उसे एनिमिज्म कहेंगे। लास्ट है रियलिज्म इन थिंकिंग, मतलब कि बच्चे के अंदर जो भी विचार होते हैं वो जो भी है बच्चे सही बोलते हैं, उनसे कुछ भी बोला जाता है, बच्चे जो 2 to 7 years के बिटवीन में होते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो भी जो भी चीज़ें होती है वो रियल में उसे वो बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे कभी बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो इसलिए रियलिज्म इन थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक जो है 2 to 7 years के बिटवीन की स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा प्री ऑपरेशन स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम स्टेज देखेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 to 11 years के बिटवीन में होता है। तो इस स्टेज को जो है फ्रेंड्स मिडल चाइल्ड सॉरी तो इस स्टेज को जो है फ्रेंड्स मिडल चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है, मिडल चाइल्डहुड। अब इस स्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, डिसेंट्रेशन हो गया, रिवर्सिबिलिटी हो गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखकर उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं बच्चे इस स्टेज में, थिंकिंग इज मोर सिस्टमैटिक, थोड़ी इनकी जो थिंकिंग होती है थोड़ी सिस्टम वाइज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द 2 to 7 years की जो चाइल्ड होते हैं। रिलेशंस, ये ऑब्जेक्ट की बिटवीन का रिलेशन इनको पता होने लगते हैं, क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, मतलब अंतर बताने लगते हैं बच्चे की इस ऑब्जेक्ट में और दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या अंतर हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस वाइज जो है बच्चे जो है इसमें सारी चीज़ों को बताने लगते हैं, सीरियल वाइज जो है नंबर वाइज जो है बच्चे ईजिली इस स्टेज में जो है बताने लगते हैं, ट्रांजिटिव थाट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है ट्रांजिटिव थाट, मतलब कि अगर ए जो है ग्रेटर है बी से एंड बी ग्रेटर है सॉरी यहाँ पर फिर से बताते हुए, A if greater than B and B greater than C, therefore A is also greater than C, तो ये जो ट्रांजिटिव थाट है ये बच्चे में आने लगता है। ये डिसेंट्रेशन मतलब बच्चे एक ही चीज़ पर जो है अलग अलग उसके एक ऑब्जेक्ट के बारे में उसके अलग अलग विचार जो है करने लगते हैं, जैसे ट्रायंगल है ट्रायंगल की एरिया की बात कर लेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, मास की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात करेंगे, तो ये डिसइंटरेशन जो है इस स्टेज में बच्चों में आने लगता है। रिवर्सिबिलिटी, जैसे बच्चे किसी टॉय को जो है वो पूरा जैसे कार है तो उसको पूरा ओपन करेंगे फिर वापस से उसको ज्वाइंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये रिवर्सिबिलिटी में आ जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है बच्चे जो है वो लेंथ वाइज जो है बच्चे अरेंज करने लगते हैं ऑब्जेक्ट को। प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, थिंकिंग उनकी सिस्टमेटिक हो जाती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बिटवीन में रिलेशन बताने लगते हैं, क्लासिफिकेशन बताते हैं, सिक्वेंस वाइज ऑब्जेक्ट को जो है बताने लगते हैं, सीरियल वाइज एंड ट्रांजिटिव थाट्स, इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक के कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज की। नेक्स्ट जो स्टेज है लास्ट वन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज जो है 11 to 15 years का होता है। इस स्टेज को एडल्ट हुड के नाम से भी जाना जाता है।
इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट वन थिंकिंग फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव। जो भी थिंक करते हैं वो फ्लेक्सिबली स्मूथली करते हैं एंड वो इफेक्टिव भी होता है। नेक्स्ट है स्टार्ट रियल एज वेल एज इन अब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग। ये इस स्टेज में बच्चे जो हैं लॉजिकली थिंकिंग करना स्टार्ट कर लगते हैं। अमूर्त थिंकिंग मतलब कि अपने विचार जो है वो सोच के किसी चीज़ को कैसे क्या होगा वो अपने दिमाग में ही सारी चीज़ें जो है लॉजिकली थिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल थिंकिंग मतलब किसी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है इसका भी वो इमेजिनेशन अपने थिंकिंग में करने लगते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग हो गया। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद अदर्स। इस स्टेज में बच्चे जो है अपने लोगों के साथ जल्दी से जो है वो कोलैब हो जाते हैं, मीन फ्रेंडशिप जल्दी कर लेते हैं और फ्रेंडशिप जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉजल रीजनिंग या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। इस स्टेज में बच्चे जो है एक दूसरे को अपनी नॉलेज को क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं। हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाने लगते हैं बच्चे इस स्टेज में। इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। लास्ट है एडल्ट ईगो सेंट्रिज्म्स और इस स्टेज में बच्चे को जो है ईगो सेंट्रिज्म होने लगता है, मीन्स वो अपने आप को सही मानते हैं कि वो जो खुद कर रहे हैं जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सही हैं। तो इस तरीके से ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के हैं। आई होप आपको ये चारों स्टेजेस जो है जीन पियाजे के समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक